सरकार को यही सम्मान देना है नारियों को कि सिर्फ उसके वस्त्र धारण करने। युवाओं के देवता एक तरीके से मसीहा के रूप में किरोड़ी बाबा को मानते हैं। हम भी गए थे तो बाबा का पहले गए थे तो उन्होंने बोला परसों आना, तो हम उस आधार पे गए थे कि उन्होंने बोला कि परसों आना तो हम गए थे। हमने वहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया था, ना हमने कोई नाराबाजी की थी। उन्होंने बोला आप भीड़ मत लाना, सिर्फ हम 10 बहनें गई थी कि हम जैसे घर के अंदर जाते ना किसी तरह गए थे कि उनकी एक आस थी हमारी कि बाबा हमें न्याय दिलाएंगे, हमारा रोज़गार हमें वापस दिलाएंगे, इसीलिए गए थे। तो हम बैठे थे, हमने क्या सिर्फ रोज़गार ही तो मांगा था, हमने कुछ नहीं किया था, हमने बोला सिर्फ बाबा से। तो उन्होंने एक किया था कि बाबा के ड्राइवर से बात करवाई और उन्होंने झूठ वो बोला कि हम बाबा ही बात कर रहे। तो ऐसा झूठा छल क्यों किया था उन्होंने, छल कपट क्यों किया था हमारे साथ में। फिर हम बैठे थे तो पुलिस वालों ने उनको क्या था मतलब उनके पास कोई आदेश नहीं था, तो रात को उन्होंने हमें वहाँ अरेस्ट करके हड्डेल के दावे उसी जगह डाल दिया। तो हम तो एक बाबा का दरबार राम दरबार मान के गए थे कि जो भी वहाँ जाएंगे वो लेके आएंगे, हम वहाँ आंदोलन करने थोड़ी गए थे। तो उन्होंने हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। हाँ तो बिल्कुल वहाँ पे मतलब जो महिला कॉन्स्टेबल होनी चाहिए उन्होंने तो हमें हाथ भी टच नहीं किया था, और जो जेंट्स कॉन्स्टेबल थे उन्होंने हमें पटक पटक के गाड़ी के अंदर भरा और वहाँ जाके मारपीट की और हमारे कपड़े भी फट गए थे, ऐसा सब हुआ था। तो उन्होंने हमारी बहनों के साथ ऐसा क्यों किया था और उनको क्या करना था कि मतलब जैसे सरकार बोलते कि हमारे राम राज्य में नारी का सम्मान होगा, तो वह क्या हुआ था? वो नारी का सम्मान था क्या? इस सरकार को यही सम्मान देना है नारियों को कि सिर्फ उसके वस्त्र हरण करने थे वहाँ पे किरोड़ी बाबा के वहाँ। तो वहाँ पे मेरे पास में एक राम जी की तस्वीर थी, तो हमने बोला कि वो राम की तस्वीर के ऊपर तो लाठीचार्ज नहीं करेंगे। तो उन्होंने राम की तस्वीर हमारे हाथ से खींच के उनके पैरों में प्रशासन वालों ने कचेड़ दिया था। तो क्या राम को भी उन्होंने मतलब पैरों में उस तस्वीर को कचेड़ दिया और राम के साथ साथ हम नारियों को भी कचेड़ दिया उनके पैरों में? तो क्या यही राम राज्य क्या कि वो राम की तस्वीर को भी ऐसे ही घसीटा पैरों में और हम नारियों को भी ऐसे ही घसीटा उन्होंने पैरों में? देखो हम 1 महीने से धरना प्रदर्शन ही दे रहे थे। 1 महीने से हमारे पास कोई मतलब बीजेपी से अभी तक जो अपनी सरकार है राजस्थान की भजनलाल सरकार, यहाँ से हमारे पास अभी तक कोई व्यक्ति आया नहीं जिसने हमें आश्वासन दिया हो या किसी प्रकार का कोई विश्वास दिलाया हो कि आपका काम हो जाएगा, आपको आपका रोज़गार वापस मिल जाएगा। हम लोग एक बेरोजगार श्रेणी के लोग हैं, हम गरीब स्तर के लोग हैं, आज हम यहाँ आकर बैठे हुए हैं। तो इस हालत में अब हमको कुछ तो करना था ही, तो हम युवाओं के देवता एक तरीके से मसीहा के रूप में किरोड़ी बाबा को मानते हैं। युवाओं के लिए किरोड़ी बाबा ने सदा एक अच्छा आश्वासन रखा था, हर जगह पे उन्होंने अपना आंदोलन उठाया था, हर स्थान पर वो खड़े रहे थे युवाओं के लिए, उन्होंने हर प्रकार का आंदोलन भी किया था युवाओं के लिए। अभी कुछ समय पहले ही अभी आपने देखा है कि आरएस वाले जो थे उनके लिए भी किरोड़ी बाबा ने अपना अच्छा आश्वासन उठाया, उनके लिए उनका काम भी किया है, उनके आरएस वालों की डेट बढ़वाई है उन्होंने। उसी स्तर को हम देखते हुए एक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति देखते हुए, मैं खुद एक मीणा समाज की व्यक्ति हूँ, महिला हूँ, उसको देखते हुए मैंने अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए एक बाबा की शरण ली थी। वहाँ पर जाके मैं बैठी थी, मैंने 10 तारीख को जाके भी बैठी थी, मैं 10 तारीख को हमने इंतज़ार किया, सुबह हमारी बाबा से थोड़ी सी बात हुई थी पर बाबा ने उस वक्त ऐसी बात नहीं कर पाए क्योंकि वो निकल गए थे। हमारी केवल गाड़ी में 5 मिनट बात हुई थी, उसको हमें थोड़ा आश्वासन नहीं लगा, हमें संतुष्टि नहीं थी, तो हम वहाँ पर बैठ गए थे कि बाबा आएंगे हम बात करके ही जाएंगे। पर उस वक्त बाबा न आने के कारण हमारी उन्होंने फ़ोन पे बात करवाई थी कि बाबा आ जाएंगे परसों आ जाएंगे, आप परसों आ जाना। बाबा ने खुद ने हमको फ़ोन पे कहा था कि बेटा आप जाओ, आपका देखेंगे हम, आप यहाँ पे परसों आ जाना। हम लोग 12 तारीख को वापस जाके वहाँ पर बैठे हुए थे, बाबा वहाँ पर आए नहीं। हमने शाम को 11 बजे तक हम वहाँ पे बैठे ही थे, हम उठ के आने ही नहीं थे। हमारा यही निर्णय था कि हम बाबा से नौकरी लेके जाएंगे, वो युवाओं के हैं तो हमारा वहीं बैठने का विचार था। पर बाबा के यहाँ से कुछ पुलिस विभाग द्वारा हमको इस तरीके से खदेड़ा गया था, जो विभाग ऐसे कहता है, जो सरकार ऐसे कहती है कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, महिलाओं के अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, वही महिलाओं को उस सरकार ने इतनी गंदी तरीके से विभाग द्वारा खदड़वाया था कि हमारी हालत उन्होंने इतना इतना परेशान किया था हम लोगों को। पुलिस की गाड़ी में बिठा के हम लोगों को लेके गए थे वो लोग, हमको थाने में ले जाके उन्होंने पटका, फिर आधी रात के अंदर हमको सड़क के किनारे छोड़कर
किनारे सड़क के किनारे एक रेन बसेरे के बाहर हमको छोड़ के चले गए वो। हम वहाँ का क्षेत्र जानते भी नहीं थे कि ये कौन सा क्षेत्र है। दूसरी स्थिति, हमारी बहनों की तबीयत खराब हो गई थी, इसी उस स्थिति में हमको वहाँ पर छोड़ कर चले गए थे वो लोग। चलो हमको वहाँ से उठाया बाबा। बाबा एक ऐसा व्यक्ति है, हम बाहर बैठे हुए थे, पुलिस विभाग था, एक बाबा मंत्री है, हमको अंदर बिठा सकते थे। देखो वो चीज़ बहुत अलग है जो हमारे संग बीता है ना, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर के द्वार पे हमारे साथ ये हुआ है ना, उस चीज़ को देखते हुए हमें ये आश्वासन अभी बहुत कम लग रहा है। क्योंकि जो एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है, महिला के सम्मान के साथ ठेस पहुंची है, उसको लेते हुए हम बाबा की इस बात को संतुष्टिजनक अभी भी नहीं मानते। जब हमारी बाबा हमारा सम्मान हमें वापस दिलवा देगा, हमें वापस हमारी बहाली का नोटिस दिलवा देगा, जब हम बाबा की प्रतिष्ठा को मान रखते हुए हम बाबा का सम्मान मानते नहीं, आज हम बाबा का बिल्कुल सम्मान नहीं मानते। क्योंकि उनके द्वारे पर आज महिलाओं के साथ इतना गंदा अत्याचार हुआ है, वो भी विभाग द्वारा हुआ है, प्रशासन के द्वारा हुआ है। प्रशासन ने एक महिला को उठाने का अधिकार केवल महिला पुलिस ही अरेस्ट कर सकती है, वहाँ पे पुरुषों के द्वारा महिला इंस्पेक्टर के ना होके पुलिस के अंदर पुरुषों के द्वारा एक महिला को खदेड़ा गया है, वो आप समझ सकते हो कितना गंदा है, अपमानजनक बात है ये हम एक महिला के लिए। तो उस अपमान का हम यही बाबा से आज भी हम यही कहते हैं। बाबा ने ट्विटर पे डाला है कि हम आपका रखेंगे मान, पर वो चीज़ अलग बात है। जिस दिन हमें बाबा दिला देंगे ना, उस दिन हम मानेंगे बाबा की बात कि बाबा ने हमारा मान रखा है। ऐसे ट्विटर पे डालने से हम अभी सम्मानित नहीं मानते बाबा को कि बाबा ने हमारा मान रख लिया है। बाबा खुद यहाँ पे आए, हमसे मिले, हमारा समझौता करवाए, हमारा जो नोटिस है हमारा रोजगार का हमें वापस दिलवाए, जब हम मानेंगे युवा कि हाँ हमारा बाबा ने सम्मान रखा है, हमें हमारा रोजगार वापस दिलवाया है।